यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जून 2022 के जो एग्जाम्स थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ पेपर हमारे सितंबर में हुए थे, कुछ हमारे अक्टूबर में, और पूरा का पूरा जो अपना जून वाला और दिसंबर 2021 वाला और जून 2022 वाला जो अपना सेशन था उसको कंबाइंड करके जो है वो जो पेपर होने थे वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है नेक्स्ट अटेम्प्ट का। नेक्स्ट अटेम्प्ट की अगर बात करें दिसंबर के लिए सबसे पहले, तो क्योंकि जून के बाद अगला अटेम्प्ट दिसंबर बनता है, दिसंबर 2022। बट आपको भी मालूम है कि अभी अक्टूबर में तो ये पेपर खत्म हुए हैं और अक्टूबर तो एंड आ गया है बिल्कुल ही, तो नवंबर में लगभग रिजल्ट आएगा। देन उसके बाद में जो है एक महीने बाद हट के दोबारा से पेपर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपना जो दिसंबर वाला जो एग्जाम है वो अप होने के उसके चांसेस नहीं लग रहे हैं। कुछ लोग जो है वो ये कयास लगा रहे हैं कि शायद ये फेब में हो जाए, शायद ये जैन में हो जाए, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। चांसेस जो है मोस्ट प्रोबेबल वो यही है कि आप पेपर जो है वो आपका होगा 2023 जून में ही। इसका मतलब ये है कि अब अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है जो दिसंबर वाला था वो मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में होने वाला है। हाँ, होने को वैसे कुछ भी हो सकता है, क्या पता एनटीए जो है क्या पता दिसंबर में एक महीने के अंतराल पर ले ले, लेकिन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनसे पिछले वाला पेपर ही नहीं लिया गया, तो अब तो क्या ही मुझे लगता नहीं है। तो अब बात करते हैं ये कि अगला अटेम्प्ट कब होने के चांसेस है। तो आपको मालूम हो गया, मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है अब जून 2023 में होने के चांसेस है, दिसंबर वाला नहीं होगा। उसके रीजन जो है आपको मैंने बता दिया, बाकी फेब में या मार्च में वो कनेक्ट मुझे नहीं लगता करवाएंगे, क्यों? अगर उन्होंने मार्च में कनेक्ट करवा दिया दिसंबर वाला अटेम्प्ट, तो फिर दोबारा से जून में करवाना पॉसिबल नहीं होगा, फिर साइकिल फिर बिगड़ जाएगा। तो ऐसा लग रहा है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि एनटीए दोबारा से साइकिल को जो है वो क्या करेगा अपने ट्रैक पे लाने के लिए, जो है वो ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट खत्म करके और सीधा जून 2023 में पेपर ले, और फिर अगला जो एग्जाम होगा वो फिर ले वो दिसंबर 2023 के अंदर। तो मेन बात जो है अभी घूम फिर के जो है वो क्या आ रही है कि अक्टूबर तो अपना खत्म हो गया, तो अब अगला पेपर होने के चांसेस जून 2023 में। तो अपने पास में जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए टोटल मिला के पड़े हैं 8 महीने। 8 महीने कैसे? अगले साल के तो 6 महीने पूरे के पूरे, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक का, और अगर इस साल की बात करें तो अक्टूबर चला गया तो नवंबर और दिसंबर, तो ओवरऑल मिलाकर के 8 महीने अपने पास में जो है वो अवेलेबल है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो आज के वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके सामने डिस्कस करने आया हूं कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है, हम लोग जो है वो लॉन्च कर रहे हैं अपना नया बैच जून 2023 के लिए। बात सुनिएगा, दिसंबर वाला अटेम्प्ट के लिए नहीं है, ये बैच है किसके लिए? जून 2023 के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपना जो सिलेबस है सिलेबस बहुत ही वाइड है, और उस वाइड सिलेबस को कवर करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 महीने में उसको कवर कर लेंगे। उसको कवर करने के लिए चाहिए आपको प्रॉपर टाइम, प्रॉपर स्ट्रेटजी, और वो सब जो है वो तभी होगा जब आप जो है वो अभी से लग जाएंगे। बहुत बार अक्सर क्या होता है कि बच्चा जो है वो लास्ट मूवमेंट पे जो है तैयारी को स्टार्ट करेगा, आखिरी मूवमेंट पे ही जो है वो रिविजन करना शुरू करता है, आखिरी मूवमेंट पे ही सिलेबस करता है, आखिरी मूवमेंट पे एमसीक्यू करेगा, तो होच-पोच हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आपके आपको बेटर ऑप्शन आपके पास में जो है वो ये है कि जब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए और आप स्टार्टिंग से लगिए। अगर आप स्टार्टिंग से लगेंगे तो उसके 2 एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो ये टाइमली बेसिस पे सिलेबस कवर हो जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये, जब एग्जाम टाइम आएगा, चाहे वो आपका जून में हो, चाहे मई में हो, चाहे वो जुलाई के अंदर हो नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगा, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगा कि यार मेरा ये पढ़ा है, मेरा वो पढ़ा है, आपका मेजोरिटी सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। देन उस टाइम पे आप अपना पूरा फोकस रिवीजन पे और एमसीक्यूज के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। तो मेन बात जो है वो ये निकल के आ रही है कि अगर आपको तैयारी करने की आप सोच रहे हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, तो जिन बच्चों का एमकॉम हो गया या जो बच्चा भी सोच रहे हैं कि मैं आगे 23 में पेपर देना चाह रहा हूं, ठीक है, तो उसको मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर के, तो आप अभी से जो है वो तैयारी स्टार्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि जब पेपर आने वाला होगा उससे 2 महीने पहले आप लगोगे, तो उस टाइम पे कुछ नहीं हो पाएगा, ना तो आपका सिलेबस हो पाएगा, ना रिवीजन, और ना ही आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो इसीलिए बेटर जो है वो ये है कि आप अभी से जो है वो लग जाइए अगले अटेम्प्ट की तैयारी के लिए, ठीक है। आंसर की जो है वो प्रीवियस पेपर का जो है वो आंसर की निकल के आ गया था, आंसर की के अंदर आई होप आपने मैच भी किया होगा। तो जिन बच्चों के अगर मान लो प्रीवियस से आप थोड़ा कंपेयर कर लीजिएगा, अगर उतने बैठ रहे हैं तो आपके चांसेस हैं पूरे पूरे, आई विश ऑल दी वेरी बेस्ट कि आपका जिन बच्चों ने पहले पेपर दिया था उनका हो भी जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपने पेपर जो है वो दिया था सिर्फ देखने के लिए, और अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम सीरियस होकर अब की बात तैयारी करेंगे, तो आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन हम ये लेके आए हैं कि हम लोग जो है वो नया बैच जून 2023 के लिए लॉन्च कर रहे हैं। हमारे बैच के अंदर क्या होगा उसके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पहली बात तो ये जो बैच रहेगा अपना ये ऑनलाइन बैच है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि ऑफलाइन मोड में आपको क्लासेस जो है वो यहां हमारे सेंटर पे विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप घर पे बैठे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल ऐप के ऊपर जो है एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन है, उस ऐप के ऊपर आपको हमारे सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्लस में सारा स्टडी मटेरियल। अब वीडियो तो आप लगा लोगे, आप
किताब कहां से मिलेगी, तो किताबें सारे हम आपके होम एड्रेस के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या सिनेरियो है उसके लिए आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा नया बैच 2023 के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। ओके, अब 2023 के लिए जो नया बैच लॉन्च कर रहे हैं वो किन किन के लिए है, तो हम लोग जो है एक्सक्लूसिवली डील करते हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स एंड पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट, जिनका कोड नंबर जो है कोड 17 वालों के लिए, मैनेजमेंट का कोड 17, कॉमर्स का तो कोड नंबर जो है वो क्या है 8। तो आपको जो है हमारे पास में क्या मिलेगा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स का पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें पूरा का पूरा पेपर नंबर 2 कॉमर्स और प्लस में पेपर नंबर 1 जो हमारा जनरल पेपर जो है वो भी आपको मिलेगा। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं कोड नंबर 17 के, तो आपको जो है वो क्या मिलेगा, पूरा का पूरा मैनेजमेंट का पेपर नंबर 2 और साथ में जो है पेपर नंबर 1 मिलेगा। और अगर आप किसी और स्ट्रीम के अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप हमसे जो है हमारा पेपर नंबर 1 जो है वो परचेज कर सकते हैं। हमारे पेपर 1 की तैयारी हम जो है वो सेपरेट, क्योंकि पेपर 1 तो कॉमन है तो उसकी तैयारी अलग से जो है उसकी वीडियोस अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे, और पेपर नंबर 2 कॉमर्स के वीडियोस अलग हैं और पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट के वीडियोस आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पेपर नंबर 2 की अगर बात करें, स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें, तो हम लोग सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में अभी फिलहाल डील कर रहे हैं, एक है आपका कॉमर्स का और एक है आपका मैनेजमेंट का, ये बात क्लियर हो गया। और पेपर नंबर 1 जो है वो आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉमर्स वालों को तो और मैनेजमेंट वालों को तो मिलेगा, और अगर आप किसी और स्ट्रीम के हैं, लाइक अगर आपका आपको लैंग्वेज के तैयार लैंग्वेज का अगर आपका पेपर है पेपर नंबर 2, अगर आपका लैंग्वेज का है लाइक इंग्लिश है हिंदी है या कोई भी कंप्यूटर साइंस है कुछ भी अगर आपका पेपर है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग जो है पेपर नंबर 1 की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको हम लोग पेपर नंबर 1 का एक्सक्लूसिव बैच जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो पहली बात तो जो कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो फिलहाल जो है वो कितने, 3, पेपर 1 सभी के लिए, पेपर नंबर 2 कॉमर्स एंड पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का 2 होते हैं, 2 कोड है, एक है कोड 17 कोड 17 और एक है कोड 55। तो हम लोग जो ओनली कोड 17 की तैयारी करवा रहे हैं, कोड 55 की तैयारी नहीं करवा रहे हैं। दूसरा, अब हमारे यहां पे स्पेशलाइजेशन क्या है, तो पहली बात तो ये, अगर हम बात करते हैं हमारे प्रीवियस स्कोर कार्ड की अगर बात करें, तो अभी तक हमने जो है 2019 के अंदर जो है हमारा अलग से इंस्टीट्यूट जो है ओपन किया और ऑनलाइन बैच हमने स्टार्ट किया था। तो 19 का एक पेपर दिसंबर वाला जो पेपर हुआ था, फिर 20 के अंदर जो है पेपर हुआ अक्टूबर वाला, और फिर 21 में जो है वो पेपर होता नवंबर में। इन तीनों पेपर के मिलाकर के जो है हमारा जो रिजल्ट रहा है वो है 700 प्लस स्टूडेंट। तो 3 अटेम्प्ट के अंदर जो है 700 प्लस स्टूडेंट ने हमारे यहां से जो है वो नेट एंड जेआरएफ जो है वो क्या किया है, क्वालिफाई किया है। पहला तो ये हो गया, ठीक है। बाकी जो जो स्टूडेंट्स हैं, जब भी रिजल्ट, अब की बार जो पेपर हुआ, अब की बार भी उम्मीद है कि एकदम बम्पर रिजल्ट जो हमारा आने वाला है, तो जैसे रिजल्ट आएगा तो उसका भी इंटीमेशन हम लोग जो यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाते हैं कि कितने बच्चे जो है इस बार क्वालिफाई हुए थे। अब अगर बात करें कि हमारा जो 2023 का जो बैच है, इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो 2023 के लिए जो हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं उस बैच के अंदर आपको जो है सारा का सारा स्टडी मटीरियल हार्ड कॉपी के अंदर आपके होम एड्रेस के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। मैं दिखा देता हूं एक बार आपको, जैसे पेपर नंबर की 1 की अगर मैं बात करता हूं, तो ये हमारे पेपर नंबर 1 जो है वो बुकलेट्स है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे पेपर नंबर 1 के अंदर जो है 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है, 10 अलग-अलग सब्जेक्ट है, तो हमने हर सब्जेक्ट की सेपरेट बुक्स जो है वो बनाई हुई है। कोई पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, पीडीएफ अब की बार क्या है, पीडीएफ भी आपको मिलेगा, लेकिन वो पीडीएफ कौन सा होगा, कंटेंट का पीडीएफ नहीं मिलेगा। जब हम पढ़ाएंगे आपको डेली बेसिस पे जो आपके लेक्चर्स होंगे, उन लेक्चर के अंदर जो एडिशनल नोट्स होंगे वो हम एक ग्रुप बनाएंगे हमारे व्हाट्सएप के ऊपर और वहां पे हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो पहली बात तो ये, जो आपका थोरोली जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, जो एंटी ने सिलेबस प्रिस्क्राइब किया, वो सारा सिलेबस हमने जो है हमारे बुक्स के अंदर जो है वो डाल दिया है। तो पेपर नंबर 1 में 10 यूनिट्स हैं, उनकी 10 सेपरेट किताबें आपके होम एड्रेस के ऊपर मिलेंगी। लाइक पहला टीचिंग है, तो ये टीचिंग की बुक है, ये आपके होम एड्रेस के ऊपर मिलेगा। जो भी एनटीए ने सिलेबस बोला है एज पर दी एनटीए, हमने पूरा का पूरा सिलेबस इसके अंदर डाल दिया है। लेटेस्ट जो अभी अमेंडमेंट्स के साथ में जो है आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा, ठीक है, कोई चेंजेस चेंजेस आपको अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और डेली बेसिस पे जो हम क्लासेस लेंगे, उन क्लासेस में जो भी एक्स्ट्रा चीजें हम लिखवाएंगे, तो वो बस आपको इसके साथ साथ नोट डाउन करना है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि वो वीडियो सुन लेते हैं, तो उनको परेशानी ये आती है कि उनको लिखना बहुत पड़ता है, बारी बारी वीडियोस को पॉज करना पड़ेगा, फिर स्टॉप करके वीडियोस को, और फिर लिखना पड़ेगा, अलग से कॉपी मेंटेन करना पड़ेगा। बट अगर आप स्टडी मेट साथ में लेते हैं तो उससे एक एडवांटेज आपको ये होगा कि आपको अलग से जो है वो लिखने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जो जब हम पढ़ाते हैं उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो सब वही कंटेंट है जो हमारी बुक्स के अंदर दिया हुआ है। तो जैसे ये टीचिंग का हो गया, ये हमारा जो है रिसर्च
रिसर्च की बुक हो गई है, ठीक है, ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बुक हो गया, ये हमारा कम्युनिकेशन का बुक हो गया, ये हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का बुक हो गया, ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का बुक हो गया। इस तरीके से आपको जो है वो सारी की सारी किताबें जो है वो मिलेंगे आपके होम एड्रेस पे। और ये जैसे अब मैं डीआई की अगर बात करूं, ये हमारे डीआई का बुक है, इसके अंदर हम लोगों ने जो है जो लेटेस्ट 2021 के अंदर जो अपने पेपर हुए थे 35 जो पेपर थे उनमें जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे हमने जो है इसके अंदर डाल दिए, विद सॉल्यूशन आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, हर एक क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन आपको जो है वो मिलेगा। तो पेपर नंबर वन की अगर बात करें, पेपर नंबर वन का सारा कंटेंट आपको मिलेगा, प्लस में आपको जो है इनकी वीडियोस अलग अलग सेक्शंस जो है वो हमने बना रखे हैं। पेपर वन का अलग सेक्शन है, फिर पेपर वन के सेक्शन को जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर हर सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पे लेक्चर वाइज पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट वीडियोस हैं, अब की बार सारी वीडियोस जो हम लोग रिवाइज करेंगे नए पैटर्न के हिसाब से, तो वो सब आपको जो है वो देखने को मिलेगी। ये तो हो गया पेपर वन का। इसके बाद पेपर नंबर टू कॉमर्स की अगर बात करता हूं, तो पेपर नंबर टू कॉमर्स के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे सारी की सारी बुक्स। तो सारी बुक्स की अगर बात करें तो पेपर नंबर टू कॉमर्स में भी टोटल मिला के जो है वो 10 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उन 10 सब्जेक्ट की किताबें जो है वो आपके होम एड्रेस के ऊपर जो है आपको मिलेंगी। लेटेस्ट जो भी अमेंडमेंट्स है वो सब करके हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, और जो वीडियोस मिलेंगी वो मोबाइल ऐप पे मिलेंगी, और सारे के सारे वीडियोस जो है अमेंडमेंट के साथ में है, मतलब नई वीडियोस आपको डेली बेसिस पे जो है वो मिलेगा। तो मैं दिखा देता हूं, ये जैसे पेपर नंबर वन की 10 किताबें थी, सेम पेपर नंबर टू की भी 10 किताबें हैं लगभग। अगर बात करें जैसे ये अपना इनकम टैक्स का बुक हो गया, तो एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट 2022-23 असेसमेंट ईयर के साथ में जो है वो आपको ये मिलेगा। सारी अमेंडमेंट हमने इसके अंदर जो है वो कर रखी है, ये हो गया। इसके अलावा मार्केटिंग का बुक, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चंस को देखते हुए, उनका पैटर्न को देखते हुए हमने पूरा का पूरा जो है वो अपना स्टडी मेट जो है प्रिपेयर किया है। तो ये अपना मार्केटिंग का बुक हो गया, ये हमारा लीगल एस्पेक्ट का बुक हो गया, अपने जितने भी लॉज हैं चाहे वो फेमा हो गया, कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इसके अलावा अगर बात करते हैं कोपरा, ये अपना क्या बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, ये सारे के सारे एक्ट हमने इसके अंदर जो है वो डाल दिए विद लेटेस्ट अमेंडमेंट। तो इनके सारे के सारे वीडियोस जो है अमेंडेड वीडियोस आपको जो है वो मिलने वाली हैं। इसके अलावा ये हमारा बैंकिंग का बुक हो गया, इसके अलावा ये हमारा एचआरएम मैनेजमेंट, ये लगभग कोई 300-350 पेज की बुक है, इसमें आपका पूरा का पूरा टॉपिक मैनेजमेंट का, एचआरएम का और ओबी का जो है वो कवर है। इसके अलावा अगर बात करें, ये हमारा स्टैट्स का बुक हो गया, ये हमारी जो है फाइनेंस का बुक हो गया, पूरा का पूरा सिलेबस जो हमने इसके अंदर डाला है। तो ये सारी किताबें जो है वो आपके घर पे आएंगी, ठीक है। शिपिंग का कोई भी चार्जेस है वो नहीं है, वो सब फीस के अंदर जो है इंक्लूड होगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। अब इसके अलावा बात करें मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट का जो कोड नंबर 17 है उनकी अलग से किताबें जो है हमने बना रखी हैं। जैसे आपने पेपर वन का देखा, पेपर टू का देखा, सेम मैनेजमेंट के, ये मैनेजमेंट की किताबें जो है वो आपको सारे के सारे मिलेंगी, ठीक है। खास बात अब की बार क्या होने वाली है, इनके साथ में ये सारी किताबें तो आपको मिलेंगी, इसके अलावा आपका एक सेपरेट ग्रुप बनाया जाएगा, और उस ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पे जो वीडियोस होंगी उनकी ऑडियोस वो ग्रुप के अंदर आपको मिलेंगी। डेली हर लेक्चर की ऑडियो जो है 5 मिनट की, 2 मिनट की, मतलब पूरा लेक्चर हमने पढ़ लिया, मान लो 40 मिनट का लेक्चर था, तो उसमें क्या किया हमने, क्या कुछ पढ़ा, वो सब आपको वो ऑडियो मिल जाएगा, जिससे नेक्स्ट जब वीडियो आप लगाएंगे तो प्रीवियस वीडियो को अगर आपने रिवाइज करना है, प्रीवियस जो कंटेंट को रिवाइज करना है, तो वो 2-2.5 मिनट के अंदर आपका पूरा का पूरा कंटेंट जो है रिवाइज हो जाएगा, ओके। तो ये सब आपको मिलेगा, प्लस में जो भी हम टॉपिक करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सब आपको जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो लेटेस्ट क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्योंकि बुक तो जैसे मान लीजिए ये किताबें हमने आज आपको बना के दे दिया, बट इनके बाद भी आपको मालूम है कि अपना सिलेबस थोड़ा थोड़ा जो है नई नई चीजें आती रहती है, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किताबें तो चलो ठीक है, आज की डेट पे जो है आज की डेट तक हमने अमेंडमेंट कर दिया, बट आगे क्या होगा, आगे जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो सब आपको जो है अलग से उनका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पहला तो ये, ठीक है। तो 100% सिलेबस जो है जो एनटी ने प्रिस्क्राइब किया वो सारा का सारा हमने इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आप देखना भी चाहते हैं आप हमारे चैनल पे जाइए और वहां पे बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उन सभी वीडियोस के अंदर जो कंटेंट होता है वही सब जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ओके। इसके बाद में कोर्स की इन्फॉर्मेशन अगर आपको मैं प्रोवाइड कराऊं, पेपर नंबर टू कॉमर्स या पेपर नंबर टू मैनेजमेंट अलोंग विद पेपर नंबर वन अगर हम बात करें, तो हर एक जैसे कॉमर्स और पेपर वन की बात करते हैं तो लगभग 600+ वीडियोस हैं, फिर मैनेजमेंट प्लस पेपर वन की बात करते हैं तो लगभग 600+ वीडियोस जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आधे घंटे से लेकर के जो है 50 मिनट तक की
की मतलब 30 मिनट से लेकर 50 मिनट तक का उनका ड्यूरेशन है। तो इस ड्यूरेशन की मतलब एक वीडियो का ड्यूरेशन ये रहेगा और ये वीडियोस आपको प्रोवाइड किया करवाया जाएगा पूरा का पूरा सीक्वेंस के अंदर हमने अरेंज कर रखी है। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो जैसे मैं सुबह रिकॉर्ड करूंगा तो इवनिंग के अंदर आपको ये वीडियो जो है ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, आप इनको आराम से देखिए और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अलग से हमने एक टीम जो है वो बनाई है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करेगी। ठीक है, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा और एक टेलीग्राम पे आपका ग्रुप बनाया जाएगा। तो वहां पे अगर अभी फिलहाल तो टेलीग्राम का ग्रुप तो अभी नहीं बना रहे हैं, व्हाट्सएप पे नंबर मिलेगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी अगर क्वेरी आती है तो आप वहां पे अपनी क्वेरी को जो है पोस्ट कीजिए, विद इन 24 आवर जो है आपको उसका रिवर्ट बैक मिल जाएगा। पहला तो ये, तो ऐसा नहीं है कि अब आप जो है वो मतलब आइसोलेशन में पढ़ रहे हैं, मतलब आप जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वर्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी डाउट का क्या होगा। तो अब अलग से जो हमने टीम जो बना ली है तो वो आपको रिवर्ट बैक कर देगा। तो वीडियोस आपको मैंने बता दिया, किताब अगर आप हमसे कोर्स बाय करते हैं तो बुक्स जो है वो आपके होम एड्रेस पे हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जो है वो डिलीवरी है, चाहे आप रिमोट एरिया में भी रह रहे हैं, अगर आप शहर में रह रहे हैं, गाँव में कहीं भी हैं, तो हर जगह पे जो है वो हम लोग आपको किताबें जो है प्रोवाइड करवा देंगे। अब कैसे आप एनरोल करना है, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं, तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एम स्मार्ट अकेडमी, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा एम स्मार्ट अकेडमी के नेम से मोबाइल ऐप है, इसको आप डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर वन जो है वो ये है कि आप इंस्टॉल करें ऐप को, देन उसके बाद जो है वो साइनअप कीजिएगा। वहां पे कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो आप साइनअप हो जाएगा। उसके बाद में वहां पे आपको पेपर नंबर वन और पेपर नंबर टू, कॉमर्स है तो कॉमर्स, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट, उनका अप्रूवल रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास में आ जाएगी। फिर आप जो है वो फीस का पेमेंट करेंगे, फीस की पेमेंट के लिए हमारा अकाउंट नंबर जो है वो ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे जब आप हमसे इंक्वायरी करेंगे वहां पे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, उसके अंदर आप फीस का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आप हमको इस नंबर पे 7404717750 इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आप जो है वो गूगल पे यूज करते हैं या फोन पे यूज करते हैं तो यही नंबर हमारा गूगल पे भी है, यही नंबर हमारा फोन पे भी है, तो इस पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। विद इन 2 मिनट्स जो है वो आपका जो कोर्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो वीडियोस इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा और किताबें जो है वो 1 वीक के अंदर आपको जो है आपके होम एड्रेस के ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये प्रोसीजर है, इस तरीके से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं कोर्स के प्राइस का, पहले तो ये है वैलिडिटी, जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा जाएगा उनका कब तक वैलिडिटी है, उनका वैलिडिटी पीरियड जो है वो क्या रहेगा। तो आज हम लोग जो है बैच को लॉन्च करें 25 अक्टूबर को, ठीक है, और वीडियोस का जो वैलिडिटी रहेगा वो रहेगा 30 जून 2023 तक के लिए। अभी चले 2022, तो हम लोग आपको जो है वो 8 महीने की वैलिडिटी जो है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको जो वीडियोस अगर आप परचेस करते हैं तो उसके वैलिडिटी आपकी रहेगी 30 जून 2023 तक के लिए। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि पेपर जून में ना हो के जुलाई में हुआ तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी वैलिडिटी 1 महीने के लिए हम एक्स्ट्रा जो है वो एक्सटेंड कर देंगे। जैसे अभी जो है हमने जो प्रीवियस जो हमारा बैच गया उसमें हमने बच्चों को बोला था कि 30 जून तक के लिए आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन क्योंकि पेपर आपको मालूम है लेट हो गया, अक्टूबर में हुआ, तो हमने ऑटोमेटिकली बच्चों के कहीं बिना ही हमने जो है वैलिडिटी अक्टूबर तक कर दिया ताकि आपका जो है वो कोई भी लॉस ना हो। तो वैसे वैलिडिटी 30 जून तक ही रहेगा, अगर पेपर 30 जून तक हो गया तो 30 जून को आपकी वीडियो से वो एक्सपायर हो जाएंगी, लेकिन अगर पेपर 1-2 महीने एक्सटेंड होता है तो आपके बिना कहे हम लोग जो है वो वैलिडिटी आपकी जो है वो क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। आगे आप फीस की अगर हम बात करते हैं तो फीस जो है वो कितनी है, अगर आप ओनली पेपर वन बाय करते हैं, ओनली पेपर नंबर वन, तो पेपर नंबर वन की वीडियोस प्लस में पेपर नंबर वन की जो बुक्स हैं वो आपको मिलेंगे 5000 रुपीज में। 5000 रुपए हमारा जो है वो फीस है किसके लिए, पेपर नंबर वन के लिए। तो पेपर नंबर वन अगर आप कोई भी स्कीम से हैं तो आप हमसे पेपर नंबर वन बाय कर सकते हैं, उसका चार्जेस जो रहेगा वो कितना रहेगा, 5000। इसके अंदर आपको सारी की सारी 10 किताबें आपके घर पे आएंगी, प्लस में आपको वीडियोस मिल जाएगा और वीडियोस का वैलिडिटी 30 जून तक रहेगा। अगर आप जो है वो है कॉमर्स के, ठीक है, तो आप हमसे कंप्लीट पेपर नंबर 2 कॉमर्स जो है वो बाय कीजिए, इसके अंदर आपको पेपर नंबर 1 भी फ्री मिलेगा और फीस जो रहेगा वो रहेगा जी आपका कितना, 15000। 15000 रुपए में पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स, ये सारा आपको मिलेगा। इनकी 20 किताबें, 10 पेपर 1 की, 10 पेपर नंबर 2 की, तो 20 किताबें आपके घर पे आएंगी, प्लस में वीडियो सिलेक्शन मिलेगा और वैलिडिटी आपको बताई दिया मैंने 30 जून तक के लिए। तो यह है कॉमर्स के लिए। अगर बात करते हैं मैनेजमेंट का, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट है जिनका कोड नंबर 17 है तो आपके लिए जो है फीस है वो भी कितनी है, 15000। इसके अंदर आपको 15000 रुपए के अंदर जो है वो मिलने वाला है पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट, ठीक है, 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट की, तो 20 किताबें मिलेंगी, प्लस में आपको वीडियोस मिलेगा। हमारी मोबाइल ऐप है, वहां पर रिकॉर्डेड वीडियो सेक्शन वाइज जो हमने डाल रखी है वो आपको मिल जाएगा।
बोलने को ऑनलाइन बैच है लेकिन एक्चुअल में आपको ऑनलाइन वाली कोई फीलिंग नहीं आएगी क्योंकि मैं आपके सामने ही रहूंगा वहां पे, ठीक है, आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ वैसा वर्चुअलिटी महसूस ही नहीं होगा, आपको लगेगा कि हाँ क्लासरूम के अंदर ही बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, हर एक चीज को हम क्रिस्टल क्लियर करके जो है वो पढ़ते जाएंगे। बाकी डेमो के लेक्चर जो है वो कल से आने भी स्टार्ट हो जाएंगे तो आप उसको देख के जज कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो पढ़ाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मान लो आप जो है वो लेते हैं ओनली एंड ओनली पेपर नंबर टू कॉमर्स, आप अगर पेपर नंबर वन नहीं लेना चाहते, ठीक है, ओनली कॉमर्स का पेपर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उसके जो चार्जेस है वो है 13,000 रुपए, वो कितने हैं 13,000। अगर आप ओनली पेपर नंबर टू मैनेजमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे बाय कर सकते हैं, अगर आप पेपर वन नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो उसके जो चार्जेस है वो है कितना 13,000 रुपए, ठीक है। अब अगर आप जो है वो ले रहे हैं ओनली पेपर नंबर टू ओल्ड स्टूडेंट है अगर आप हैं तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए जो चार्जेस है वो है जी कितना 11,000 रुपए, ठीक है। अगर कोई भी पुराना बच्चा अगर वो जो है वो नए सिरे से जो है वो तैयारी करना चाहता है, ठीक है, नई वीडियोस लेना चाहता है और नया रेडीमेड लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं, तो आपके लिए जो चार्जेस है वो है कितने 11,000 रुपए, और नए बच्चों के लिए जो है चार्जेस है कितना 13 ओनली पेपर नंबर टू के लिए, ठीक है ना, पेपर वन के तो पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों के मिला के तो 15,000 रुपए चार्जेस है। अब स्टडी मेड, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमको वीडियोस नहीं चाहिए, हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, हमको ओनली किताबें चाहिए, तो आप किताबें भी हमसे ले सकते हैं। अगर आप पेपर नंबर वन प्लस में पेपर नंबर टू कॉमर्स या मैनेजमेंट अगर इनकी बुक्स लेते हैं तो 8,000 रुपए जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ओनली पेपर नंबर वन की बुक लेते हैं तो उसके लिए जो है वो देना पड़ेगा आपको कितना 3,000 रुपीज। तो ओनली पेपर वन की बुक के लिए 3,000, ओनली पेपर नंबर टू ये क्या बोलते हैं पेपर वन प्लस में पेपर नंबर टू कॉमर्स के लिए 8,000, पेपर वन प्लस में पेपर नंबर टू मैनेजमेंट के लिए 8,000, और अगर आप जो है वो ओनली कॉमर्स की बुक लेना चाहते हैं तो उसके जो चार्जेस रहेगा वो रहेगा जी आपका कितना 7,000। तो सेपरेटली अगर आप जो है वो हमसे ले रहे हैं किसका ओनली कॉमर्स का तो कॉमर्स की बुक्स का जो चार्जेस है वो 7,000, या मैनेजमेंट की बुक्स ले रहे हैं ओनली पेपर वन नहीं ले रहे तो उसका भी चार्जेस रहेगा आपका कितना 7,000 रुपया। दोनों का कॉम्बो लेते हैं तो मिल जाएगा आपको कितने में 8,000 रुपए के अंदर। इसके बाद अगर आप जो है वो ओनली वीडियोस चाह रहे हैं, आप जो है आपको ये लग रहा है कि नहीं सर हमको जो है ओनली वीडियोस प्रोवाइड करवा दीजिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। पेपर नंबर वन के साथ प्लस में पेपर नंबर टू अगर लेंगे तो 12,000 रुपए के अंदर आपको जो है वो हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे, वैलिडिटी वही रहेगा 30 जून तक के लिए, ठीक है। अगर आप ओनली पेपर टू की वीडियो लेते हैं तो वो भी आपको सेपरेटली, इसमें स्टडी मेट नहीं मिलेगा, ओनली वीडियोस की बात हो रही है, तो वो मिल जाएगा आपको कितने में 10,000 में, ठीक है। और अगर आप ओनली पेपर वन की वीडियोस लेते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसका चार्जेस क्या रहेगा 4,000 रुपए, ठीक है। वैलिडिटी आपको हमने बता दिया कब तक रहेगा 30 जून 2023 तक के लिए, यह भी दिवाली ऑफर है, ठीक है ना, और ये ऑफर जो है वो वैलिड है आपका कब तक, ओनली एंड ओनली 30 अक्टूबर तक के लिए, ठीक है। इसके बाद 1 नवंबर से हम लोग जो है 40 को दोबारा से क्या कर देंगे, वही 17,000 रुपए हमारा फीस है वो बढ़ा देंगे उसको, ठीक है। तो ये सब रहेगा। अब कैसे आप जो है अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं तो उसके लिए ये हमने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करके फोन करके जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल हम लोग जो है प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। टेम्पलेट आपको शेयर किया जाएगा, उसमें सब डिटेल जो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, या इसके ऊपर जो है आप कॉल करके जो है सारी की सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, अब वीडियोस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, ऐप के ऊपर मिलेगा। सर एक बार अगर हम देखना चाहे डेमो के लेक्चर तो भाई कल से जो है डेमो के लेक्चर आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो पेपर नंबर टू से अभी हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, साथ में पेपर नंबर वन। अब बहुत बच्चों को जो है पेपर नंबर वन के अंदर जो है एक टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग, उससे प्रॉब्लम है, तो हम लोग सबसे पहले उसी टॉपिक को जो है वो उठाएंगे। तो पेपर वन में हम लोग जो है लॉजिकल रीजनिंग को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहां से आप देखिएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है लॉजिकल रीजनिंग हम उसको पढ़ते हैं। और पेपर नंबर टू की अगर बात करें कॉमर्स की या मैनेजमेंट की तो उनका भी एक टॉपिक जो है हम लोग उठाएंगे और उसका वीडियो जो है कल से आपके पास में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डेमो के 5-5 लेक्चर में 5 पेपर वन के और 5 लेक्चर पेपर नंबर टू के मैं सीक्वेंस के अंदर जो है वो डालूंगा अपने यूट्यूब के ऊपर, वहां पे आपको देख के जो है अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से हम लोग आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। बेस्ट वे से हम आपको जो है अपने नॉलेज को इंपार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे 100% चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाए। और मैं जो आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूं इसके पीछे का लॉजिक हमारा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपका पेपर पास करवाना है, मैं पढ़ाता हूं इस तरीके से हूं कि मैं ये चाहता हूं कि सभी बच्चे जो है इतने बेहतर तरीके से नॉलेज को ग्रैब कर लें कि कल को जब आप पढ़ाने जाएं, क्योंकि देखो ये सब करने के बाद अल्टीमेटली तो आपको भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में जाके पढ़ाना ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार तो पढ़ लिया सिर्फ पेपर के लिए उसके बाद फिर आप दोबारा से तैयारी करो आगे पढ़ाने के लिए, नहीं, आप अभी पढ़ो, क्वालिटी स्टडी जो है वो आप कीजिए, एक ही बार में इतना बढ़िया तरीके से आप पढ़ जाइए कि नेक्स्ट टाइम जो आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही ना रहे, आपका पेपर भी पास हो जाए और जब आप रियल टाइम में जब आप पढ़ाने के लिए जाएं तो वहां भी आपको किसी भी
प्रॉब्लम को जो है वो फेस करना ना पड़े। तो मैं अपनी तरफ से 100% आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मिशन हमारा जो है वो रहेगा जेआरएफ का कि हमको ओनली ओनली जेआरएफ जो है वो लेके आना है, ठीक है ना। तो आप भी अगर यही आपका मिशन है कि आपको जेआरएफ चाहिए तो आप एनरोल करवाइए, बेस्ट वे के अंदर हम लोग जो है वो आपको तैयारी करवाएंगे। बहुत ही मतलब मैं अब वही है ना, अपनी चीज तो हर कोई अच्छा बताता है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप पहले वीडियो देखना, कल से मैं डेमो के लेक्चर डालूंगा यूट्यूब पे, तो आप उनको देखना, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ हम जो है किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। और आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि आप जो है वो वर्चुअली पढ़ रहे हो, आपको यूं लगेगा जैसे आप घर पे बैठे हो, लेकिन आपको क्लासरूम वाला पूरा फीलिंग आएगा। ओके जी, तो कल से हम लोग जो है वो वीडियोस जो है वो यूट्यूब के ऊपर डालेंगे, तो आप उनको देखना। 5 लेक्चर कंटिन्यूसली जो है मैं डालूंगा, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक। तो उसको देख के आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि कैसे पढ़ा रहे हैं। ओके, बाकी अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी आपके माइंड में अगर कोई कंफ्यूजन है, तो ये हमने नंबर दिया हुआ, इस नंबर के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो सारी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ओके हाँ जी सर, ठीक है, तो मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 1 के साथ में, ठीक है। और कोई भी अगर इंक्वायरी हो, कोई भी अगर कोई समस्या है, तो आप वीडियोस में कमेंट भी कर सकते हैं, और बाकी ये नंबर है, इसके ऊपर फोन करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।